सुनिए भाई सुनिए, सब साथ साथ सुनना। ये क्या बीड़ी फूकने के लिए यही जगह मिली? ये फिल्म सेट है जानते हो। वैसे तुम हो कौन? मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ। पहले बीड़ी फेंको। रंगाराव जी शॉट रेडी है आपका, चलो। वैसे सीन में आपके हाथ में सिगार होना चाहिए। वो नीचे गिर गया, चलो शॉट लेते हैं जी। इस फिल्म का नाम क्या है? साहूकार। हीरोइन फाइनल हो गई है? हाँ हो गई है, कोई नई लड़की है, जानकी नाम है उसका। नई लड़की जानकी है। हीरो कौन है इसमें? सामने वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पहचाना क्या? रामा राव। पूरा नाम नहीं है? क्यों नहीं है? नंदमुरी तारक रामा राव। रास्ता भटक कर आए ब्रदर, पर जीने का अधिकार इन्हें भी है। नंदमुरी तारक रामा राव, ये नाम याद रखना होगा। वैसे आप है कौन? साफ साफ चलो चलो जल्दी चलो। पापा इसके बाद ट्रेन में चले। मैं यहाँ गांव वापस लौटने के लिए पैसे गिन रहा हूँ और तुम्हें ट्रेन चाहिए। यहाँ उम्र 16 ही बताना। आज का ऑडिशन खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। देखिए ना जी, एक बार देखिए तो सही। एक बार कहा ना ऑडिशन खत्म हो गए, चले जाइए आप। आपकी लड़की किसी में फिट नहीं हो पाएगी। अबे गधे, तू क्या जानता है कास्टिंग के बारे में? तमिल नहीं आती आप लोगों को? एक भाषा नहीं आया तो क्या हुआ? आपकी आंखें कई भाषाएं बोलती हैं। नाम क्या है आपका? सावित्री। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, बड़ी स्टार बनोगी। मैं भी तब से यही कह रहा हूं ना, लेकिन ये नालायक स्टूडियो वाला हमें अंदर आने दे तब तो। रियली सॉरी, अंधा है ये, इसे असली टैलेंट की कदर ही नहीं है, पागल कहीं का। ए चले कल। मैं रामस्वामी गणेशन हूँ, लेकिन यहाँ सब मुझे जमीनी गणेशन बोलते हैं। इनकी कुछ फोटोज ले लूं आपकी इजाजत हो तो? हाँ ठीक है। थोड़ा इस तरफ, डरो मत, सिर्फ फोटो के लिए। थोड़ा फेस झुका, ये लीजिए रिकमेंडेशन लेटर। और किरदार? फिलहाल अभी इनके लिए कोई रोल नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी ना, थाली सामने रखकर कल खाना परोसने की बात कर रहे हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, बच्ची तो है अभी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, चलिए पापा। गांव में सावित्री का सभी ने मजाक उड़ाया था कि फिल्म में हीरोइन बनने गई है, लेकिन फिल्मों में काम ना मिलने की वजह से उसने पहले की तरह नाटक करना शुरू कर दिया। पर इस बार फिल्म ने खुद सावित्री को ढूंढ लिया। सुनिए, यहाँ केवी चौधरी कौन है? क्या उसे आपका पैसा चुकाना नहीं, है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो मैं ही हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्णमूर्ति है, साधना नाम की फिल्म संस्था में काम करता हूँ। हम एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें आपकी बेटी को हीरोइन। नमस्कार, दोबारा मद्रास जाकर फोटो खिंचवाने की हिम्मत हम में नहीं है, आप जा सकते हैं। सुनिए चौधरी जी, चौधरी जी, इस पत्रिका में आपकी बेटी की फोटो देखने के बाद ही आया हूँ। क्या? मेरी फोटो? पापा ये
ये फोटो तो जेमिनी गणेशन ने ली थी ना। आपकी बेटी का किरदार पक्का है, मेरी जिम्मेदारी है। इस फिल्म में और कौन कौन है? एलवी प्रसाद जी का निर्देशन है, नागेश्वर राव जी मुख्य किरदार में है। इधर उधर सिर मत घुमाओ बेटी। नागेश्वर राव जी आ गए क्या? सामने देखो। मेकअप करने के लिए एक और बाल बनाने के लिए प्रतिष्ठा बढ़ जो गई है। कल पोस्टर में एक तरफ होंगे एंटी रामा राव, एक तरफ होंगे नागेश्वर राव और बीच में होगी तू। तब आगे देखना अपना रोल। इधर आओ, एक अच्छी सी फिल्टर कॉफी लाओ। सुनो, उसमें चीनी थोड़ा अच्छे से डालकर लाना। और सुनो, कुछ नहीं जाओ। शॉट रेडी है मैडम। अच्छा है। शॉट रेडी है मैडम। बहुत अच्छा है। शॉट रेडी का मतलब है वो तुम्हें बुला रहे हैं। मतलब नागेश्वर राव जी आ गए? हाँ। पापा। एलवी प्रसाद जी, आपकी हीरोइन सावित्री यही है। पैर छो। ए ए ए, ठीक है। हीरो नागेश्वर आ गए? आ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, पहले तुम सीन सुनो। तुम अपनी दोस्तों के साथ कार में आ रही हो, तब सामने से बैलगाड़ी पर हीरो आकर, नागेश्वर है ना? हाँ वही, आकर बीच सड़क में रुक जाता है। तब तुम, ए आपने बाप का रोड समझा है क्या? ए हटो हटो, ऐसा बोलोगी? ए आपने बाप की सड़क समझी है, हटो हटो। गुड गुड। तब वो मानता हूँ कि ये रोड तुम्हारे बाप की है, अब हटो। बस ऐसे ही। वैसे ये हमारी हीरोइन सावित्री, नई लड़की है। नमस्ते जी। हीरो नागेश्वर जी आ गए। अरे सुनो, शूट करते हैं, इधर आओ। कैमरा रोलिंग, एक्शन। ए, ये सड़क नागेश्वर राव जी की समझी है, हटो हटो। कट। सावित्री, ये नागेश्वर राव की सड़क कहाँ से आ गई? इस बार वो ठीक करेगी, पहले कभी लड़कों के साथ काम नहीं किया है ना, इसलिए। ये रोड अपने बाप का समझा है क्या? बोलोगी? ओके। एक्शन। ए नागेश्वर राव, सड़क मेरे बाप की समझी है। ए ये रोड मेरे छी, मेरे बाप की सड़क छी, अपने बाप की रोड छी छी, ये रोड मेरे बाप की। अरे पापा। रोड अपने बाप का समझा है क्या? रोड अपने बाप, रोड अपने बाप की समझे क्या? एक्शन। क्या है? ए अपने बाप की रोड समझे क्या? बैकअप। इस लड़की को कौन लेकर आया रे? ए मूर्ति इधर आ। सर नाटक में देखा था मैंने। फिल्म को मजाक समझ रखा है, एक्सप्रेशन नहीं है, डायलॉग याद नहीं होता। ए सुनो, सिर्फ नाटक करने से कोई अभिनेत्री नहीं बन जाती, हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम फिल्मों में काम नहीं कर सकती। लगता है बेचारी किसी गांव से आई है। सही कहा तुमने। बोलना तो आता नहीं, हीरोइन बनने चली आती है। सुनो भाई, मेरा सिर फट रहा है, एक फिल्टर कॉफी लाकर दोगे? अच्छा वहाँ छाछ दे रहे हैं, जाकर लाइन में खड़े होकर ले लो। इस फिल्म से अब कोई फायदा नहीं है, देखो हम आज रात की ही गाड़ी से। मैंने कभी फिल्मों में काम करने की बात की थी क्या? आप ही लेकर आए। मैं इस लायक हूँ या नहीं ये कहने वाला वो कौन होता है? सबके सामने चिल्ला रहा था और लोग हंस रहे थे। मैं उस दुकान तक होकर आती हूँ। ठीक है मैं आ जाऊंगी, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हो? मैं एक्टिंग के लायक नहीं हूँ ये कहने वाला वो कौन होता है? ये सब यहाँ चलता रहता है, दिल पर मत लो। ट्राम में घूमना चाहती थी ना, देखो चले। चलो। पाताल भैरवी फिल्म में गाने के लिए निर्देशक केवी रेड्डी जी नई लड़की को लेना चाहते हैं। जिस लड़की को अभिनय करने की इच्छा हो उसके लिए ये सुनहरा मौका है। सबके सामने कहा कि मैं एक्टिंग के लायक नहीं हूँ, करके दिखाऊंगी। चलो चलते हैं। नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। सुनो रेड्डी, एक डांसर के किरदार के लिए 3 दिन का ऑडिशन जरूरी है क्या? छोटा हो या बड़ा जरूरी तो है ना, खोजना तो पड़ेगा ना। पर आखिर कब मिलेगी? जब भी मिल जाए। उस लड़की को देखिए, वो लाल ओढ़नी वाली, इतनी दूर से भी एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे हैं उसकी आंखों। ऑडिशन रोक दो, लड़की को बुला के लाओ। आप इतना कह रहे हैं तो दोबारा स्क्रीन टेस्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हें पसंद आनी चाहिए ना।
देखो वहां डायलॉग्स याद कर रही है ना वो लड़की। आप इस लड़की की बात कर रहे थे? नहीं चक्रपाणी जी नहीं। एक बार देख तो लो। 56 बार देख चुका हूँ जी, इस लड़की को डायलॉग बोलना नहीं आता। सुनो डायलॉग्स याद हो गए ना? हाँ ठीक है आपकी मर्जी। एक्शन। అబద్ధాలు కాకేమంటే ఆయన దగ్గర డబ్బుంటే ఎంతైనా ఇస్తాడు, కానీ లేదుగా ఆయన ఆస్తంతా ఈ ఇంటికి, ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకి, కుటుంబ గౌరవానికి ఖర్చు పెట్టేశాడు. వాహ్ బహుత్ అచ్చా కియా, బహుత్ అచ్చా. ముజే తో కాఫీ అచ్చా లగా. అగర్ యహీ తుమ్నే పహలే కర్ లియా హోతా తో తుమ్హే సంసార్ ఫిల్మ్ సే నికాల్తా హీ నహీ. ఠీక్ హై, किस्मत में लिखा है कि मैं ही तुम्हें फिल्मों में लेकर आऊं। अब देखिए राघव जी, मेरी बेटी को अब जाकर फिल्मों में चांस मिल रहा है, मद्रास में घर भी खरीद लिया है, और अब ये लोग बंगाली दारूबाज की कहानी करने को कह रहे हैं। आपकी बेटी को हमने शादी करके देखो फिल्म में देखा था, उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक तमिल फिल्म भी ओके कर दी है ना, मनिक पनी मांगल्यम। तुम चुप रहो। मनपोल मांगल्यम, डायरेक्टर पुल्लया जी, अच्छी कॉमेडी फिल्म है, तो इसीलिए आपकी फिल्म नहीं कर पाएंगे जी। अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? पार्वती जमींदार से कैसे शादी कर सकती है माँ? जमींदार कौन है? अरे वो भुजंग राव माँ, बुढ़ा कहीं का, 4 बच्चे हैं, 60 साल की उम्र में शादी कैसे कर सकता है? देवदास भी नहीं रोक रहा। अच्छा तो ये किताब पढ़कर रो रही है? पगली कहीं की, अब सो जा। मुझे ये फिल्म करनी है माँ। लेकिन तुम्हारे पापा तमिल फिल्म वालों को हाँ कर चुके हैं। वो भी करूंगी, मैं कोई भी फिल्म करूंगी। ये पार्वती है माँ, देवदास की पार्वती। पढ़ते समय लगा मैं ही पार्वती हूँ। आप ही पापा से बात करके मनाइए ना।